हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन इन्फॉर्मेशन। काम और गर्भावस्था के बीच संतुलन कैसे बनाएं, इस वीडियो में आपका स्वागत है। गर्भावस्था एक चुनौतीपूर्ण और रोमांचक समय हो सकता है, लेकिन काम और घरेलू जीवन की मांगों को नेविगेट करना भी मुश्किल हो सकता है। इस वीडियो में हम काम और गर्भावस्था के बीच संतुलन बनाने के लिए युक्तियों और रणनीतियों पर चर्चा करेंगे, ताकि आप एक स्वस्थ और सफल गर्भावस्था प्राप्त कर सकें। अपने एम्प्लायर के साथ संवाद करें। काम और गर्भावस्था के बीच संतुलन बनाने के लिए पहला कदम है अपने एम्प्लॉयर के साथ अपनी गर्भावस्था के बारे में खुली और ईमानदार बातचीत करना। इससे उन्हें आपकी गर्भावस्था के दौरान आपकी सहायता करने के लिए कोई भी आवश्यक समायोजन करने का अवसर मिलेगा। अपने अधिकारों का लाभ उठाएं। एक गर्भवती कार्यकर्ता के रूप में आपके पास कानून के तहत कुछ अधिकार हैं, जैसे कि प्रसव पूर्व देखभाल के लिए समय निकालने का अधिकार, उचित आवास का अधिकार और आपके मातृत्व अवकाश के बाद काम पर लौटने का अधिकार। सुनिश्चित करें कि आप अपने अधिकारों से अवगत हैं और उनका लाभ उठाएं। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। गर्भावस्था एक ऐसा समय होता है जब आपको अपनी अतिरिक्त देखभाल करने की आवश्यकता होती है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपको पर्याप्त आराम और पोषण मिल रहा है। यदि आप थका हुआ या अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, तो ब्रेक लेने या मदद मांगने से न डरें। लचीले बने। गर्भावस्था अप्रत्याशित हो सकती है, और जैसे जैसे आपकी गर्भावस्था आगे बढ़ती है, आपको अपने शेड्यूल या वर्कलोड में बदलाव करने की आवश्यकता हो सकती है। आवश्यकतानुसार समायोजन करने के लिए खुले रहें और आपके द्वारा किए जाने वाले किसी भी परिवर्तन के बारे में अपने नियोक्ता से संपर्क करें। तकनीक का प्रयोग करें। तकनीक की मदद से आप शारीरिक रूप से कार्यालय जाने के बजाय घर से काम कर सकते हैं या आभासी बैठकें कर सकते हैं। कई कार्यस्थल अब इन तकनीकों को अपना रहे हैं, इसलिए यह आपके एम्प्लायर के साथ चर्चा करने लायक है कि क्या यह आपके लिए एक विकल्प है। अल्प विराम लें। आराम करने, खिंचाव करने और अपना ख्याल रखने के लिए पूरे दिन में छोटे छोटे ब्रेक लेना महत्वपूर्ण है। यह आपको पूरे कार्य दिवस में तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करने में मदद कर सकता है। एक समर्थन प्रणाली खोजें। गर्भावस्था के दौरान एक सपोर्ट सिस्टम होना महत्वपूर्ण है, चाहे वह पार्टनर हो, दोस्त हो या परिवार का कोई सदस्य हो। वे आपको घर के कार्यों में मदद कर सकते हैं, भावनात्मक समर्थन प्रदान कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान कर सकते हैं। आगे की योजना। गर्भावस्था एक ऐसा समय होता है जब आगे की योजना बनाना और किसी भी घटना के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण होता है। सुनिश्चित करें कि आपके पास अपने मातृत्व अवकाश, चाइल्ड केयर और काम पर लौटने के लिए एक योजना है। जरूरत पड़ने पर मदद लें। यदि आप काम और गर्भावस्था के बीच संतुलन बनाने में संघर्ष कर रही हैं, तो मदद लेने में संकोच न करें। आप अपने नियोक्ता, परामर्शदाता या गर्भावस्था सहायता समूह से बात कर सकते हैं। निष्कर्ष। काम और गर्भावस्था के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन सही दृष्टिकोण से यह निश्चित रूप से संभव है। अपने नियोक्ता के साथ संवाद करना याद रखें, अपने अधिकारों का लाभ उठाएं, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और प्रौद्योगिकी और समर्थन प्रणालियों का उपयोग करें। और अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, तो मदद लेने में संकोच न करें। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो मददगार लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।